फ्लॉस लगाने से ये ही प्रॉब्लम होती है, बाल ऐसे चिपकने लगते हैं ना लिप्स पे। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम दैट आई हैवंट अपलोडेड अ यूट्यूब वीडियो, आई गेस ऑलमोस्ट अ वीक। और हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, मुंबई आ गई हूँ मैं जबलपुर से, एंड आई थिंक 4-5 दिन हो गए कि मैं आ गई हूँ वापस। एंड यहाँ पे लॉकडाउन हो गया है महाराष्ट्र में, सो एक्चुअली यहाँ पे इट वॉज नीडेड बिकॉज केसेस बहुत बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, स्पेशली इन मुंबई। सो मैं इतने दिन से आई वॉज घर पे ही थी, मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रही थी। टुडे आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई थॉट ऑफ गोइंग आउट टू गेट सम फ्रेश एयर। मैं बिल्कुल भी लॉकडाउन के टाइम में नहीं जा रही हूँ, मैं दिन में जा रही हूँ। इट्स आई थिंक 5 o'clock राइट नाउ। आई एम जस्ट गोइंग आउट टू गेट सम फ्रेश एयर बिकॉज इतना टाइम लाइक घर पे रहने के लिए मुझे अभी ऐसे सफोकेशन हो रहा है। एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखी मैंने मेरे फ्रेंड की, देयर वर लॉट ऑफ फ्लेमिंगोज इन दैट स्टोरी। वो आई थिंक कोई जगह है बेलापुर में, दैट इज समवेयर नियर द नवी मुंबई। सो मैं इतनी आई वॉज सो लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो गो एंड सी इट फॉर माई सेल्फ। सो आई थॉट कि आज थोड़ा सा वहाँ पे लेक साइड में जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा यू नो क्राउड भी नहीं होगा, सो वी कैन जस्ट गेट सम फ्रेश एयर, यू नो जस्ट एस्केप द क्वारंटीन मोड एंड सी इफ वी कैन यू नो कैच द फ्लेमिंगोज देयर। नवंबर टू मार्च दे कम फॉर व्हाटएवर migrate here in this period of time, so let's see if we can catch them. I'm really excited. I haven't seen a flamingo ever. I think I have seen but mujhe aise yaad nahi hai, to matlab aise aise kabhi jaise dekh liya hoga par aise nahi dekha ki ha ye flamingo hai. So yeah, and I'm sounding very stupid but yeah, whatever, I'm just being honest guys. So we are going there and yeah, let's go. And today for the first time I have tried a white kajal. मैंने कभी भी वाइट काजल कभी ट्राई ही नहीं किया था बिकॉज मुझे लगता था कि बहुत स्टूपिड लगता होगा, बट टुडे आई हैव ट्राइड इट। आई डोंट नो हाउ इट इज़ लुकिंग, यू टेल मी गाइज हाउ इज़ इट लुकिंग ऑन मी, जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। ऑल्सो गाइज, मैनी ऑफ यू आर अप्रिशिएटिंग माई व्लॉग्स रिसेंटली, स्पेशली द जबलपुर व्लॉग्स, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है और मुझे इतना अच्छा लगता है गाइज। देर आर टाइम्स वैन यू डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग, ऑनेस्टली ऐसा लगता है कोई देखता है क्या, देन कमेंट्स नहीं आते हैं, कभी लाइक्स नहीं आते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम वैन यू फील लाइक शुड आई लाइक रियली कंटिन्यू इट, शुड आई, एम आई गुड एट इट, एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज इन साइड योर हेड। बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू पुश माई सेल्फ अहेड कि हाँ नहीं, आई हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ समथिंग आई रियली वॉन्ट टू डू, आई रियली वॉन्ट टू सी माई सेल्फ डूइंग इन द फ्यूचर। एंड जब लोग अप्रिशिएट करते इट फील्स सो गुड, इट फील्स सो नाइस। सो इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस एज क्रिएटर टू क्रिएट मोर वीडियोज। ऑन द डेज वैन वी फील लो वी जस्ट get a boost of motivation when we see these comments. So please let me know in the comment section if you really enjoy my videos. And we just hit 300 subscribers. I know it's not a big number but I feel whenever I upload a video that is the time when my subscriber count goes up, and I feel ki log mera work dekh ke mujhe subscribe karte, not because they are my friends or my relatives. So I actually feel good when people I don't know subscribe me, people whom I don't know comment on my videos. That is when you feel that yeah, you're reaching out to people. So yeah, I'm so happy. Tell me if you guys also check for lizards before wearing your shoes. Like main hamesha na pura check karti hu ki kuch hai to nahi andar, and then only I put my leg into it. Otherwise I'm like, mujhe lizards se itni zyada nafrat hai na, it can ruin my life if it touches me. I'm heading out, I'm in the lift, and guys, by the way, my parents have taken the vaccine, so I'm the only one in the house who has not taken the vaccine because 45 below I think allowed nahi hai abhi India mein. So I was craving for chocolate chai and I luckily found this place here which serves it, and trust me, I couldn't be happier. I was missing the Jabalpur chai so much, and thank god yahan pe mujhe alternative mil gaya, and it exactly tastes like the one in the Jabalpur.
प्लेस इज नियर द पाम बीच. ये पाम बीच के अंदर से जो यू नो सर्विस रोड जाते हैं वहाँ पे है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज हैं बट यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत कम दिख रहे हैं. आई थिंक मैंने जो स्टोरी पे देखा था तब आई थिंक इट वॉज ओवर 10 lakh आई गेस थाउजेंड्स में थे और इतने सुंदर लग रहे थे. एंड आज थोड़ी सी लो टाइड भी आई गेस दैट्स व्हाई नॉट इवन एबल टू सी देम प्रॉपरली. बट थोड़े से मैं जूम जूम करके आपको दिखाती हूँ बिकॉज दे आर लाइक वेरी फार अवे एंड मुझे खुद को ठीक से नहीं दिख रहे हैं बट दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल लाइक बहुत प्यारे लग रहे हैं. द फ्लेमिंगोज हियर एंड ये आई थिंक स्वान है. या सो दिस इज द व्यू एंड अभी 6:30 हो रहा है. इट इज़ द टाइम ऑफ द सनसेट एंड सच अ पीसफुल व्यू गाइज. द फील द वाइब ऑफ नेचर इज समथिंग डिफरेंट आई फील. मुझे मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करना इतना पसंद है. फीलिंग सो पीसफुल हेयर राइट नाउ. सो वी आर गोना स्पेंड सम टाइम हेयर. कुछ 10-15 मिनट्स यहाँ पे रहते हैं. बस अपना कैमरा बंद करके यहाँ से जा ही रही थी एंड देन वी सो सो मेनी फ्लेमिंगोज कमिंग इन एंड इतना सुंदर था वो व्यू. आई एम जस्ट गोना इंसर्ट सम वीडियोज राइट हियर. यू कैन एंजॉय इट एंड यू कैन ऑल्सो इफ़ यू आर इन मुंबई यू शुड कम एंड विजिट दस. ये आई थिंक नवंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे फ्लेमिंगोज आती हैं एंड इतनी सारी हैं यहाँ पे. अभी तो बहुत सारी आ गई. नॉट एट ऑल एवरीवन हियर इज मेकिंग अ वीडियो. Oh my god guys, more coming. And I'm back home. Bought some groceries also. It was so much fun today. So that's it for this video guys. If you like this video, don't forget to like, comment, share and also subscribe to my channel. And I will see you in my next video. Until then, bye bye and take care. I was so hungry you guys. And guys, I have changed my diet. As you can see, I'm having stir fried chicken and some veggies. I'm trying to avoid carbs like in the whole day. So that I can just, you know, lose some weight. So yeah, this is what I'm eating.